हेलो एवरीवन, कम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आउटलाइन ड्राइंग करने वाला हूँ। एंड ड्राइंग करने के लिए मैं कार्ट्रिज पेपर का यूज करने वाला हूँ। आप दूसरा कौन सा भी पेपर यूज कर सकते हो, मुझे आइवरी एंड कार्ट्रिज पेपर अच्छा लगता है तो मैं उसी के ऊपर स्केचिंग करता हूँ। आउटलाइन ड्राइंग करने के लिए मैं ग्रिड मेथड का यूज करने वाला हूँ। रेफरेंस फोटो विद ग्रिड्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो अभी आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पेपर के चारों साइड पे 2-2 सेमी छोड़ के मार्किंग करना है। एंड अभी ऊपर नीचे पॉइंट्स को एंड साइड बाय साइड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में मैच करते जाना है। एंड एकदम नो प्रेशर अप्लाई करके करना, क्योंकि आउटलाइन खत्म हो जाने के बाद इसे इरेज भी करना होता है। आपके पास जो भी सबसे लाइट पेंसिल होगी उससे ही ड्रॉ करना, इरेज करने में इजी होगा। नेक्स्ट अभी रेफरेंस इमेज में देखो, ऊपर के साइड में एंड लेफ्ट साइड में जिस तरीके से नंबरिंग किया हुआ है सेम ड्राइंग शीट के ऊपर भी करना है। तो बस गाइस, ग्रीन लाइंस ड्राइंग पेज के ऊपर क्रिएट हो चुकी है। तो अभी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लेफ्ट आई के इस कॉर्नर से मैं ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो देखो, अभी ऊपर से 4th नंबर बॉक्स पे है एंड साइड से 6th नंबर बॉक्स पे है। तो यही बॉक्स अभी ड्राइंग पेज के ऊपर भी फाइंड करना है। ऊपर से 1, 2, 3, 4 एंड साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6। एंड अभी जिस बॉक्स में आए हैं, जिस बॉक्स में नोज है, लिप्स है, वो ऑब्जर्व करके एक एक करके ड्रॉ करते जाना है। एंड वो आप वीडियो में भी देख सकते हो मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड मैं ये ड्राइंग एक मीडियम सरफेस पेपर के ऊपर कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये ड्राइंग चारकोन नहीं तो ग्रेफाइट मीडियम में करना है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बता ही देना कि मैं चारकोन पेंसिल से करूँ या ग्रेफाइट पेंसिल से करूँ। तो बस गाइस, इस ड्राइंग की आउटलाइन कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं जल्दी इसके शेडिंग पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।